अभी शाम का टाइम है तो मैंने सोचा सुबह के टाइम पालक का साग बनाएंगे। तो ये सारे साग मैं धोकर रख देती हूँ। इसमें मेथी है, चना है और पालक है। सरसों अब की बार नहीं लाए तो माँ बोल रही थी इसे ही मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर कम सदस्य हैं। पूरी फैमिली जब इकट्ठी होती है तो चल जाता है, लेकिन बच्चे तो इतना पसंद नहीं करते ना साग। अभी बड़े तो खा लेते हैं कहने सुनने से, लेकिन छोटे बच्चों को कौन समझाए। तो साग मैंने धोकर रख दिया है और सुबह तक जो है उसे फिर हम लोग ओस में रख देते हैं, एक बारीक सा बहुत ही कपड़ा डालकर। तो पूरी रात वो बाहर ही रहेगा। तो अभी नंबर आता है, पूरा दिन से ये सब्जियां ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि नीलाक्षी बहन आ गई थी दिन में तो फिर मेरा टाइम नहीं लगा। और जो पहले पता रहता है तो इंसान सारी तैयारियां करके रखता है, और ये भी मैं टाइम निकाल के सुबह ही कर देती, लेकिन मैं और काम में उलझी रही। तो फिर मैंने सोचा शाम के टाइम इन्हें लगा लेंगे। तो अभी वक्त हो चुका है शाम के खाने का। तो खाना मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, हम लोगों को तारी वगैरह बना लेंगे। तो जी ये सब्जियाँ माँ बोल रही है ये लगा दो, क्योंकि बंदरों ने आज बड़ा परेशान किया इन सब्जियों को देखकर। फिर हमें चारपाई को ढकना ही पड़ा। एक केला पड़ा हुआ था, बच्चों ने डाल रखा था, और चारों तरफ से इतने सारे बंदर इकट्ठे हो गए, बहुत सारे। और गाजर रखी हुई थी खुले में, तो इस वजह से। तो फिर हमने सारी सब्जियाँ ऐसे ढककर रख दी थी। तो अभी मैं इन सब को सोच रही थी ऊपर वाले फ्रिज में रख कर आने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा वही ऊपर नीचे वाला राग रहेगा, फिर सुबह के टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े करेगी। तो बाई चांस ऐसा होता है कि हम कई सारी चीज़ें तो भूल ही जाते हैं ऊपर वाले फ्रिज में रख कर। तो मैंने सोचा कि सारी की सारी सब्जियां यहीं पर एडजस्ट कर देती हूँ जैसे तैसे करके। कुछ धनिया वगैरह जो है और मटर के दाने निकाल दिए हैं भगोने में, तो एक भगोना पूरा भर गया है, बस उन्हें तो यूज करने का काम रहेगा। धनिया पत्ती मैंने पोलोथीन में करके रख दिया है ऐसे ही। तो जो ये हरी प्याज है ये भी मैं इस तरीके से ही रख दूंगी। और एक पालक की जुट्टी हमने बचा ली थी, नहीं तो पालक का साग फिर ज़्यादा बन जाता है। और दूसरे टीम तीसरे टाइम किसी भी सब्जी को खाने का मन नहीं होता है। और जो ये लौकी है ये भी बाहर ही रख दूंगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद में ये ठटलाई सी हो जाती है तो टेस्ट ही नहीं बनती फिर। अभी ये हरी मिर्च भी मैंने रख दी, लेकिन इनके डंठल नहीं निकालने हैं क्योंकि उतना वक्त नहीं था। फिर मैंने सोचा जब भी वक्त मिलेगा तब फ्री से होकर अपना ये काम कर लेंगे, और हरा धनिया भी छांट लेंगे। तो ये मैं सोच रही थी खिड़की में आ जाएगी सारी की सारी शिमला मिर्च, लेकिन ये आ नहीं रही थी। फिर मैंने पीछे की साइड में जहाँ पर टमाटर रखे थे वहाँ पर इनको एडजस्ट किया, और फिर मैंने सोचा यहाँ पर गोभी के फूल वगैरह रख देंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है 27 जनवरी, और बच्चों को जाना है स्कूल में। अभी आ गए हैं अपने पापा के पास में, सारे के सारे जग कर, और कोई ऊपर कोई नीचे कोई साइड में, सारे के सारे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। हाँ देख जैसे ये बैठा है रुस। आप क्या खा रहे हैं? क्या खाओगे आप? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल तो मेरे भी पसंद है। कहाँ से याद आ गया तेरे? कढ़ी चावल ये तो मेरे भी पसंद है। तो रोजी कहवे मुझे, मेरे भी याद आ गए। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। पापा की याद। बोलो भाई आप भी करो। ये शरीर मेरा जो डिफेक्टेड है तो ऐसे ना लटका कर रहा है। नहीं 26 जनवरी को तो बटा गुलदाना है इसका फेवरेट, इसे लग रहा है कि आज भी गुलदाना बटेगा। इसे मैंने बोल दिया बुढ़ाने से मंगा दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मूड खराब है क्योंकि आरुषि अपने पापा के ऊपर लटकी हुई है और इसे साथ में नहीं जाने देगी। काम लेना। नंदनी आप क्या खाओगे भाई? पराठा खाओगे? अच्छा और कहीं के लारा खाओगे? मक्खन। जाओ लाओ प्लेट उठा के अपनी। बिरंगा पराठा ये लाओगी? प्लेट उठा के भाई अपनी किचन में से। और ये फटाफट वाला नाश्ता कुछ खा पी के जाया करो। गुड्डू कितने पराठे खाए चिंकी? वो कह रही हाँ। स्कूल में जब तो लंच हो जाएगा। कौन से स्कूल में जावे? स्कूल में जब तो लंच हो जाएगा हैं? मुझे जब तो ही हो जा लंच। पापा जी मुझे भूख लग रही है। सुबह सुबह? हाँ जी। अच्छा जब दिन में मैं आऊँ ना थकी आ रही तब तो मुझे इतनी भूख लगे मैं कुछ क्या हुआ चिंकी? पापा जी ये निकल गया टिफिन का। तो बंद करो इसे, ये टूटा थोड़ा ही निकला ही तो है। देखिए हो गया नहीं फिट? वो तो गया सही। अभी इतना नहीं हुआ यो। कितना नहीं हुआ? इसके जैसे करना। इस पे इतना जोर नहीं लगाने, टिफिन ही तो है यो। पापा जी फिर यो बंद नहीं होता सही तरह, फिर निकल जाएगा। देखो जैसे ही यहाँ पे आ रहा ना ऐसे ही अंदर ही है अभी। क्यों पापा जी? हो गया नहीं सही?
आपको खाएगी। आप किसके साथ खाओगे? मम्मी खिलाओगी। चलो मैं खा ले जा, मैं खंदो ले जा। आपको ही खावेगी और इसकी मम्मी खिलावेगी इसे। अच्छा आराम से बाय। और अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा। यहाँ पे माँ जो है ना आरुष के लिए अमरूद काट रही है छिलका उतार के, वो क्योंकि छिलके के सहित वो खाता नहीं और ना वो पराठे खाता। और अभी वो लोग अंदर रेडी हो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं पता नहीं क्यों। और यहाँ हमारे बाबूजी सब्जियाँ काट रहे हैं, आप क्यों काट रहे हैं? और ये देखो ये आ गया तैयार होके। और भाई तेरा लंच भी तैयार है, इसके लिए ना परमानेंटली अब अमरूद ला के रखने पड़क रहेंगे। अब ये डेली लेने के। सबसे लास्ट में हम दोनों का ब्रेकफास्ट और ये बन गए हैं ओट्स। ओट्स बन गए हैं और अब हम लोग खाएंगे। और नंदनी को दे दिए, वो कह रही थी कि दाने खाने आऊंगा। दे दिया। हाँ दाने अच्छे लगते हैं ना उसे। एक बार तो देख के चली गई, दाने वाला पापा बन रहा है। हाँ वो पापा ही बोलती है जो ऐसी चीजें बनती है। अभी मुझे सबसे पहले लगानी है कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि कपड़े हैं बहुत सारे। और आज पिताजी ने भैंस को भी नहला दिया है, क्योंकि इसकी बॉडी में भी पूरी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। ये देखो ताज़ा पानी खींच लिया पिताजी ने। और आज बिल्कुल भी ठल्ली नहीं बैठे जैसे कल ठंड में बैठे हुए थे। आज थोड़ी सी धूप निकलते ही पिताजी को बहुत सारे काम मिल गए हैं। और पिताजी खुद करना पसंद करते हैं ये सारी काम। ये देखो और चाचा जी का तो फ़ोन भी आ गया कि गर्म पानी रख दियो भैंस को नहला देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि पिताजी ने उनके आने से पहले इसको नहला दिया। और ये हमारी काऊ, अभी इसको तो नहीं नहलाना है क्योंकि इसका बेबी भी छोटा है और सर्दी का मौसम है, ये लोग ज़्यादा ठंड मानते हैं और धूप से सिखाना इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर देखिए ये मेरे पतिदेव चल दिया है खेत में चाचा जी के पास नज़दीकी घेर में। और ये लाएंगे गोले, गोले। फोन आ चुका है चाचा जी का, भाई ये गोले ढोलो अंतर रेडा गाड़ी आने की नहीं, नज़दीकी है प्लॉट के पास में। चलो तो और यहाँ पर दूध रख दिया है कड़ने के लिए, तुम इसे देखने के लिए आई थी क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये निकलने का डर रहता है। कोड़े तैयार हैं कई सारे और चाचा जी मुझे ठुआ देंगे और मैं ढो दूंगा सिर पे ही नहीं। यहाँ से नज़दीक ही है यहाँ तो गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ने की। तो लो एक ले जाऊँ दो? एक के जी ले जाऊँ जी। उठा लिया है मैंने और बस मैं इसी तरीके से इन्हें ढो दूंगा। ये काम मुझे आज सौंप गया तो इसे मैं जल्दी कर दूँ सुबह के टाइम ही। जो हमारा चाय का है उसे गर्म करने का ध्यान, क्योंकि इसका भी निकलने का डर रहता है। ये देखो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारी ओट्स वाली कढ़ाई खाली हो चुकी है, सबने ओट्स खाया है। बाकी वैसे तो मैंने रोटी पराठे भी बनाए थे पालक के, लेकिन ओट्स ज़्यादा पसंद किया है। तो ब्रेकफास्ट के काम निपट चुके थे, फिर माँ बोले कि थोड़ा सा मक्खन है और डब्बा भर गया है तो इसे गर्म कर लेते हैं और ये यूज भी हो जाएगा देसी घी, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाने के लिए इसे डालना पड़ता है ना। जैसे हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं और बच्चे खा लेते हैं, इससे एक तो क्या होता है कि सीटी लगती है तो कोई भी चीज़ बाहर निकलकर नहीं आती है। तो माँ ना इसमें मक्खन में पानी डाल देती है तभी उसमें से मतलब मक्खन निकालती है और इसमें भिगोने में डाल रही है। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होने लग रहा है तो इसे गर्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे उफान भी आएंगे तो उस चीज़ का माँ को ध्यान रखना है। आज कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलने देनी है, नहीं तो बड़े परेशान होते हैं, खुशबू पूरे आंगन में पूरे मोहल्ले में फैल जाती है इन सब चीज़ों की। तो ये हो गया देसी घी बनकर तैयार और ये ठंडा भी कर लिया था हमने। अभी मैं इसको इस डब्बे में निकाल देती हूँ और अभी बाहर के ही काम निपटाने में लगी हुई थी बर्तन वगैरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अच्छा रहता है, फिर मैं अंदर के काम किसी भी तरीके से कर रहूं। तो अभी तक हमारे आज बिस्तरे भी नहीं उठे थे क्योंकि बच्चे अंदर बिस्तरों में बैठे रहते हैं तो पिताजी बोलते हैं बेटी बाद में उठा दिया करो। और तीनों की अलग अलग रजाइयां दे रखी थी, ये देखो तीन रजाइयां थी, क्योंकि एक दूसरा बोलता है कि मेरी रजाई में मत लौटना, मेरी रजाई में मत लौटना। तो पहले बचपन में हम भी इस तरीके से ही किया करते थे। तो आज ये बेडशीट भी चेंज करनी है, चार पाँच दिन बाद मैं कर देती हूँ क्योंकि अभी इस तरफ बच्चे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। एक टीवी देखते थे तो तब ज़्यादा बेडशीट गंदी होती थी तो फिर ये चल जाती है। और जी वैसे तो ठंडी लगती है लेकिन अब की बार सीज़न मैंने सोचा कि अगले सीज़न में गर्म चादर ले आएंगे, अब की बार इन्हीं से काम चला लेते हैं क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा खासा होने लगा है। आज इतनी अच्छी धूप निकली है कि देखकर भी मतलब गर्म कपड़ों को ये लग रहा है कि आज ये तो गलत ही पहन लिए, आज इतनी गर्मी हो गई दिन भर में। और सुबह के टाइम इतना ठंडा मौसम था, बहुत ठंडा था, मतलब हाथ भी नहीं दिए जा रहे थे पानी में, इतना वो लग रहा था मुझे। और फिक्र ये हो रहा था कि इतने सारे कपड़े
कपड़े इतनी ठंड में कैसे धोऊंगी और कैसे कपड़े सूखेंगे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि इतनी अच्छी खासी धूप निकली और अभी मैंने ताज़ा पानी टैंक में कर लिया था और पाइप लगा लिया, ये सारे कपड़े मशीन में से निकाल कर मैंने ढेर लगा रखा है क्योंकि उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया था, मैंने सोचा पहले क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर मैं बेफिक्र होकर इनमें मेरा टाइम लग जाएगा। बहुत सारे कपड़े हैं और जितने मशीन पर रखे हैं अंदर भी हैं और ये पूरा ढेर लगा हुआ है, तो सबकी ड्रेस वगैरह और कपड़े थे तो वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। जितना भी सर्फ का पानी इन कपड़ों में से निकल रहा है वो सब मैं इसमें मशीन में डालती रहूँगी और आज मैं सारे कमरों की बेडशीट वगैरह धोऊंगी, मैंने सोच लिया था क्योंकि कई दिन हो गए हैं और जब तक धूप नहीं निकलती ना तो मतलब एक ही स्मेल सी आने लगती है बेडशीट वगैरह में से भी, तो इस वजह से मैंने आज सोच ही रखा था। बस गुड्डू के कमरे में जो बेडशीट है उसे मैं एक दो दिन बाद धोऊंगी, लेकिन आज और बाकी तीनों कमरों की तो मैं धो ही दूंगी। तो अभी हमें रजाइयों के कवर वगैरह भी धोने हैं क्योंकि पूरा सीजन निकल गया है उड़ते उड़ते, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। एक तो अपने हेल्थ इशू कुछ ना कुछ घर में चलते ही रहते हैं, कभी किसी को। अब गुड्डू का भी हेल्थ में ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं बच्चे ठीक रहते हैं लेकिन वो गुड्डू को भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी बोलती रहती है मम्मी मुझे अजीब सा फील हो रहा। अब ये पता नहीं सबका कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो जी, खैर कोई बात नहीं, सब कुछ समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा जी। आप लोगों से यहीं पर विराम ले लेते हैं और हम धो लेते हैं अपने कपड़े हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।